तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चारू ब्लॉग उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, चलो आइए देखते हैं आज का वीडियो क्लिप और आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, और कैसे आप सब? आई होप के अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ अपने कुलदेवता के मंदिर, जहाँ हमारी पार्किंग है ना, तो वहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, बहुत चढ़ाई है, और मैंने नीचे वीडियो रोड पे आके शूट किया है। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चारू ब्लॉग उत्तराखंड। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चलते हैं कुलदेवता जी के दर्शन करने। फ्रेंड्स, ये ऊपर है भगवान जी का मंदिर, बहुत ऊपर चढ़ाई पे, और ये रास्ता है, यहाँ से ऊपर जा रही हूँ। ये बहुत ऊपर रास्ता, इस बार थोड़ा भगवान जी के दर्शन करने आने के लिए लेट हो गए, काम था थोड़ा, इसलिए अब फर्स्ट टाइम ना धूप भी हो गई है। और ये बारिश वगैरह में यहाँ का भी रास्ता थोड़ा सा खराब हुई है। देखो, फ्रेंड्स, वो मंदिर दिख रहा है ना वाइट सा, वो है हमारे भगवान जी का मंदिर। ऊपर चढ़ाई पे जाना है। और वहाँ पे ना एक रुद्राक्ष का पेड़ है, वो भी दिखाऊंगी आपको। वो पहाड़ी पे, वहाँ पे हमारा घर, ये वाला, क्योंकि हम सामने वाली दूसरी पहाड़ी पे आ गए, वो येलो येलो सा, वो हमारा घर। आजकल ना ये जंगली पौधा कुरी, इसको ना कुरी बोलते हैं, ये पूरे पहाड़ पर फैल गया। देखो, इसको ना कोई पक्षी वगैरह ले आए अपने साथ, हम वहाँ का इसके बीज खा के। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुल देवता का मंदिर, अंदर का मैं बार बार से दिखा रही हूँ। ये हमारे कत्यूर देवता का मंदिर, और ये यहाँ पे ये आम का पेड़ भगवान जी के मंदिर में। और ना मैं आपको दिखाती हूँ रुद्राक्ष का पेड़, अभी छोटा है, रुद्राक्ष आए नहीं है इसमें, भगवान महादेव का प्रिय। ये देखिए, ये है रुद्राक्ष का वृक्ष। कितने वर्ष का है ये तो मुझे ढंग से पता नहीं, लेकिन ये पेड़ छोटा है, ये महादेव का रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष का वृक्ष है। ये देखो, ये है जिससे रुई बनती है ना, वो कपास का पौधा है। ये पहले लाल फूल है इसमें, उसके बाद इसमें व्हाइट फूल बन जाते हैं, वो कपास कहलाता है। वीडियो कैसा लगा आपको? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिए। अब मैंने वो नीचे जाना उधर,
बहुत नीचे जाना रोड पे उधर। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, टिल देन स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड फ्रेंड, गुड बाय।